भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी सरकार मोदी जी का स्वागत है जी बिल्कुल जोश जबरदस्त है और हर महिला कहीं ना कहीं मोदी जी ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है लेकिन फिर भी महिलाओं के प्रति उनकी जितनी भी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं महिलाओं को कनेक्ट करती हैं और आज आप देखेंगे भारी संख्या में जनता तो आएगी लेकिन हमारी महिला शक्ति भारी संख्या में आएगी क्योंकि हर महिला चाहती है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीर्वाद देना क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी की महिलाओं की चिंता करते हैं तो वो भी अपना दायित्व समझती है कि आए मोदी जी का आभार व्यक्त करें क्योंकि लगातार योजनाओं के माध्यम से समय समय पे और अभी तो मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% रिजर्वेशन भी महिलाओं को दिया है तो मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आप देख रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में हमारी महिला शक्ति हमारे बीच में है। मैं तो सभी को पहले जय श्री राम कह रही हूँ और मोदी जी के आने पर ये है विजय संकल्प रैली जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत की तरह हम जो तस्वीर हमारी बदली है जम्मू कश्मीर की वो देखने योग्य है। हम सब मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जोश जो है हमारी महिलाओं में सभी में बहुत बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। हम आदरणीय मोदी जी का स्वागत भी करते हैं। ऐसा है, पहली बात तो ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ये 10 साल बाद हमारे जम्मू कश्मीर में असेंबली विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो ये 10 साल बाद पहली बार हो रहे हैं और इन 10 सालों में मोदी जी ने सबके लिए काम किया है, पूरे देश के लिए काम किया, भारतवर्ष के लिए काम किया, हर स्टेट में जहाँ जहाँ इनकी इनका शासन है वहाँ वहाँ काम किया है और खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए आज मुझे लगता है 30-35 सालों के बाद उनका जो संकल्प पत्र ही ले लीजिए, कभी भी हमारे बारे में कभी किसी संकल्प पत्र में आज तक कोई बात नहीं की गई लेकिन इस बार हमें बहुत गर्व हो रहा है। पहले से जब से मोदी जी आए शासन में हमारे प्रधानमंत्री जी बने तब से कश्मीरी पहली बात उन्होंने हमारे विस्थापितों की बात की। मेरा नाम सुषमा पंडता है, मैं जगती कैंप में रहती हूँ। मेरी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है एक बार जगती में आकर हमारा हाल देखें। हम छोटे छोटे दो कमरों में रहते हैं चाहे उन कमरों में अब हम 3-3 फैमिली भी रहते और बुरी हाल है हमारा उधर। एक बार वो जगती में आकर कश्मीरी पंडित को देख ले और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार है। मैं मोदी जी से यही कर रिक्वेस्ट करती हूँ, इतने मुश्किल से हमने बच्चों को पढ़ाया कैंप में रहकर तो हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी रोजगार प्रदान करें। नहीं, मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि न कि कश्मीरी पंडितों के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए रोजगार दे दे बच्चों को और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा सोचे। घर वापसी के लिए क्या उम्मीद? घर वापसी के लिए मैं मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी हमारी घर वापसी करें क्योंकि जगती कैंप में रहकर हमारा बहुत बुरी हालत है। एक बार मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार जगती आकर देखें, हम 35 साल उससे वनवास काट रहे हैं। राम जी को सिर्फ 14 साल का वनवास मिला था, हमें तो 35 साल का वनवास मिला है। अब तो यही उम्मीद है एक तो राम जी से दूसरी मोदी जी से।